खबरमंद सोर से। खेत से रेत निकाल रहे ग्रामीणों ने रॉयल्टी को बताया फर्जी, सौंपा एसपी को ज्ञापन। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ क्षेत्र के गांव पित्या खेड़ी व आसपास के गांव के सैकड़ों ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और रेत की फर्जी रॉयल्टी रसीद बनाने वाले लोगों का विरोध किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे सभी ग्रामीणों का कहना था कि उनका गांव पित्या खेड़ी गत वर्ष बाढ़ की चपेट में आया था, जिससे उनके खेतों में रेत का जमाव हुआ। बाढ़ और कोरोना की मार झेल रहे ग्रामीण अपना रोजगार खेत में जमा रेत निकाल कर रहे हैं, लेकिन रेत के ठेकेदार की द्वारा नियुक्त लोगों को रॉयल्टी की फर्जी रसीदें थमाकर अवैध रूप से वसूली कर रहे सभी ग्रामीण मजदूरों ने बताया कि सिंगल ट्राली 800 रुपए, डबल ट्राली 1500 रुपए की वसूली की जा रही है, पर रॉयल्टी रसीद पर कोई प्रमाण अंकित नहीं है, जिससे सभी में संशय है। एसपी ने मिलकर ग्रामीणों ने जहां रॉयल्टी रसीद की खामियां चेक करवाने की मांग की, तो वहीं बाढ़ और लॉकडाउन से ठप हुए रोजगार को रेत के इस कारोबार को बिना किसी व्यवधान के जारी रखने की मांग की। मंदसौर से संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। पीड़ित मजदूर है गांव पित्यागिड़ी का। एक वर्ष पहले एक बरसात बहुत भयानक हुई थी, उस बरसात में कई घर बह गए थे और उसमें खेतों में रेत का बहुत ही हो गया था, और रेत को देखते हुए उन लोगों का काम धंधा कुछ है ही नहीं, लॉकडाउन ऊपर से लग रहा है, तो ये रेत निकाल कर खेतों में से बाजार मार्केट गाँव में बेचना शुरू करा इन लोगों ने, और इन लोगों के ऊपर जो अधिकारी जो होते हैं फर्जी अधिकारी, उन अधिकारी ने लेकर इनकी रसीद बनाना शुरू कर दी है। ये मामले को लेकर हम यहाँ पे आए थे भाई, इन गरीब लोगों जो पीड़ित मजदूर इनका जो पेट भरा जाए बहुत बड़ी बात है, कोरोना वायरस देखते हुए क्या हम चाहते हैं भाई ये रेत निकाल कर बेचे और इनकी पेट पालन करें। ये अब चंबल पूरी पड़ी है, शिवना पड़ी है, बड़ी बड़ी नदी पड़ी है, वहाँ पे जाके चेक करें इन लोगों को क्या पीछे पड़े, ये गाँव के इनकी खेतों में निकाल रहे क्या तकलीफ आ रही है उनको, चंबल नदी वगैरह शिवना वगैरह पड़ी है उनमें जाकर उनकी रसीदें बनाए, चाहते इन लोगों का शासन प्रशासन द्वारा सहयोग राशि प्रदान करें इनको क्या, और ऐसे इनको रेत निकाल कर ये इनका पेड़ पालन करे और इन तरफ ध्यान लगा, इनको कोई अत्याचार नहीं करे इनके तरफ। आपका नाम है? वकील जी बंजारा, संयुक्त मजदूर यूनियन संघ प्रदेश अध्यक्ष। जी राम नाम है मेरा, गांव पित्या खड़ी रहता हूँ, और हमारे गांव में जो पिछले साल बाढ़ आई थी उससे जो खेत कट गए थे और रेती इकट्ठी हुई थी, तो लोगों को जो है मजदूरी का मौका मिला और रेती इकट्ठी करके जो बेच रहे थे, तो वो रॉयल्टी वालों ने जो है फर्जी रसीद काटना शुरू कर दी, और हमने उसकी असलियत मांगी, भाई आप असलियत वो दे दो, रसीद तो हम देने को तैयार हैं, लेकिन वो असली नहीं दे रहे, हम जो वो रसीद लेके आगे जाते हैं तो आगे हमारा केस बनता है, इसी को लेकर हम शिकायत करने के लिए आए कि भाई हमें असली रसीद तो दी जाए और हम आपकी राशि देने को तैयार हैं, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। नहीं अभी तो महीने दो महीने हुए हैं, वो खेत सुधारने में लगे हैं, हम जो खेत कटे थे उन खेतों को सुधारने में लगे हैं, तो अवैध उसके बाद में जो है इन लोगों ने जो अवैध रॉयल्टी शुरू कर दी, तो हम इसी की शिकायत लेकर यहाँ आए हैं। 1500 रुपये लेते हैं और सिंगल ट्रॉली का 800 लेते हैं और डबल का 1500 रुपये लेते हैं, तो हमें वो देने में थोड़ी दिक्कत होती है, मजदूरी नहीं मिलती, इसलिए हम वो शिकायत लेकर आए हैं यहाँ पे। पित्याखेड़ी नाहरगढ़ का है। एसपी साहब से क्या असलियत क्या है वो हम कार्रवाई करेंगे। कोरोना काल में हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन पर जाए और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को, और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24।
आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड़ न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक।